आप लोगों को आज एक्सेल में पार्ट टू में आपको लेकर आए हैं, और एक्सेल पार्ट टू में हम आपको आज हम बताएंगे कि कैसे हम गुना भाग जोड़ घटाव करते हैं। तो जैसा कि पहला वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें आपको बताया था कि कैसे हम ये सभी चीज़ों को करते हैं, कैसे ये नाम लिखते हैं, कैसे टाइप करते हैं, ये वाला वीडियो में आपको पहला वाला वीडियो में आपको मैंने इन सभी चीज़ों को दिखाया था। तो याद रखिए, ये पहला वीडियो में आप अगर देखते हैं तो ये सभी चीज़ें कैसे बनाए हैं, इस तरीका के कैसे लिखे हैं, तो सभी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम अब पार्ट टू में आ गए हैं। पार्ट टू में हम यहाँ से शीट थ्री में टेबल वन बताने वाले हैं। टेबल वन नाम दिया है मैंने इस कार्य को, टेबल वन को देखते हैं। यहाँ टेबल वन लिख दिए, इस टेबल वन को थोड़ा सा हाइट बड़ा करने के लिए साइज फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। और ये देखिए, ये पहला घर में लिखे थे लेकिन लिखावट को दूसरा घर में आ गया है, एक घर से दूसरा घर पास कर गया है। इसे कैसे सही करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद हो जाएगा। अब हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ कलर करना है तो यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट कलर करना है तो यहाँ से हम फॉन्ट कलर कर सकते हैं, तो इस तरीका से। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर करेंगे क्या कि एक सीरियल नंबर का कॉलम लेना है मुझे, एक सीरियल नंबर का कॉलम ले लेंगे और सेकेंड वाला स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे हम, सेकेंड वाला स्क्वायर का कॉलम हम बनाएंगे, तीसरा कॉलम हम क्यूब का बनाएंगे, चौथा कॉलम हम प्रोडक्ट यानी गुना करेंगे। तो ये हेडिंग मैंने बनाया है और इसे सेंटर करने के लिए यहाँ सेंटर अलाइनमेंट करना होगा और मुझे बोल्ड कर देना है हेडिंग को, थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देना है। अब ये हो गया। अब नीचे मुझे सीरियल नंबर निकालना है तो मुझे वन लिखना होगा, यहाँ टू लिखना होगा और इसे कुछ नहीं करना है। आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप यहाँ जो बिंदु जो दिख रहे हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा छोटा सा बिंदु, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इस तरीका से पकड़कर ऐसे खींचेंगे, इस तरीका से खींच देंगे तो ये सीरियल नंबर आ जाएगा। हम थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लिए हैं, जूम कर लिए हैं पेज को। और स्क्वायर, स्क्वायर निकालने का मतलब है कि एक का पावर, जैसे कि एक्स का पावर टू होता है तो इसी तरह एक का स्क्वायर कितना आएगा, तो निकालने के लिए बराबर लिखेंगे और यहाँ पर पावर लिखेंगे, पी ओ डब्ल्यू ई आर पावर लिखेंगे और फिर से यहाँ ब्रैकेट शुरू कर देंगे। अब जिसका स्क्वायर निकालना है, जैसे बी बी थ्री का स्क्वायर निकालना है तो बी थ्री पर क्लिक कर लेंगे या अपने मन से अपने से मैनुअली टाइप आप कर सकते हैं, मैनुअली टाइप करेंगे तो बी थ्री, इसके बाद एक कॉमा देना होगा और स्क्वायर के लिए दो यूज करना होगा यानी टू लिखना होगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। और फिर यहाँ पर सेलेक्ट करके ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इस बिंदु को पकड़कर आप खींच देंगे तो नीचे आपका स्क्वायर सभी का निकल जाएगा। उसी तरह क्यू का भी निकालेंगे, क्यू को निकालने के लिए भी ठीक वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर पावर का यूज करेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर उसके बाद मुझे इसी का निकालना है यानी बी थ्री का क्यू निकालना है तो बी थ्री लिखने के बाद कॉमा देना होगा और क्यू के लिए थ्री का प्रयोग करना होगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर मारना होगा। फिर मुझे उसी तरह से इसे भी इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग कर लेना है और फिर गुना करना है यानी हमें स्क्वायर और क्यू में गुना करना है। तो गुना करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पी आर ओ डी यू सी टी और ब्रैकेट बंद करेंगे। मुझे इन दोनों का निकालना है तो इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी नहीं सेलेक्ट हो पाएगा तो आप यहां से टाइप कर देंगे सी थ्री और डी थ्री और अनुपात देते हुए बीच में ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। नहीं तो एक बार हम टाइप करके दिखा देते हैं, बराबर पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब मुझे जैसे कि चार और आठ को गुना करना है तो चार कहाँ लिखा हुआ है, सी फोर में, तो यहाँ लिख देंगे सी फोर और अनुपात का सिंबल दे देंगे। और ये डी आठ में लिखा हुआ है, डी फोर में लिखा हुआ आठ, यहाँ लिखेंगे डी फोर और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीका से करने के देख लीजिए, अब गौर से देखिए, चार जो लिखा हुआ था वो सी फोर में लिखा हुआ था तो यहाँ सी फोर लिख दिए और बीच में अनुपात दे दिए, उसके बाद यहाँ डी फोर यानी आठ जो था डी फोर में लिखा हुआ था तो यहाँ पर डी फोर कर दिए और इंटर मार दिए। तो इस तरीका से आप बस कुछ नहीं कीजिए, फिर इसे भी सिलेक्ट करके आप ऐसे खींचते आ जाइए, सबका गुना वो खुद ब खुद कर देगा। ऐसे बनाने के बाद आप इसे अगर टेबल का रूप एकदम सही रूप देना चाहते हैं तो इस तरीका से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद
सेल स्टाइल है, यहाँ से सेल स्टाइल को आप ले सकते हैं जिस तरह से लेना चाहते हैं, जिस डिजाइन में जिस स्टाइल में वैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी इस तरीका से टेबल को चूज कर सकते हैं, फिर वैसे ही आपका यहाँ बन जाएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हम आगे बताएंगे, इसको रहने देते हैं अभी और आपको हम दिखाते हैं अपने से कैसे हम इसे तैयार करते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको लेना रहेगा वो कलर को आप ले लीजिएगा। लेने के बाद फॉन्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, और नीचे का भी जो आप बदलना चाहते हैं तो नीचे भी आप इस तरीके से सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जाइए और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, ये बॉर्डर लग जाएगा। और ये सभी को आप सेंटर में लेना चाहते हैं तो सेंटर में ले सकते हैं, लेकिन सभी को सेंटर में आप नहीं रख सकते हैं, आप सीरियल नंबर को सेंटर में रख सकते हैं। और ये सब इधर से ही, ये राइट साइड से ही रहेगा काउंटिंग करने के लिए, मुझे राइट साइड से ही नंबर्स को चाहिए, अन्यथा ये लेफ्ट साइड से हो जाएगा तो आप सही तरीके से इसे पढ़ नहीं पाइएगा और काउंटिंग नहीं कर पाइएगा। देखिए इस तरीका से आप सही तरीके से फिर नहीं कर पाइएगा, आप इधर से ये सेंटर रखना चाहते हैं तो सेंटर रख सकते हैं। तो इस तरीके मतलब आपको जो अच्छा लगेगा आप रख सकते हैं उस तरह से, और इसे आप सेलेक्ट करके फिर इसे आप टेबल फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से टेबल फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा आ गया है, किसी को आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको हम बताएंगे शॉर्ट लेने के लिए, कैसे हम शॉर्ट लेते हैं, कैसे ये टेबल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें हैं, तो इस तरह से आप टेबल यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब मैं आपको एक सीट यहाँ इस टेबल यहाँ सीट टू में जो है, यहाँ सीट थ्री जो लिखा हुआ है इसका नाम बदलना चाहते हैं, यहाँ पर टेबल वन लिखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं फॉर्मेट में जाएंगे और रीनेम पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे टेबल वन, टेबल वन लिखकर इंटर मार देंगे। और आप चाहते हैं जैसे इन दोनों का कलर अलग है तो इसका भी कलर करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे और टैब कलर पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं आप वो कलर ले सकते हैं। अब हम टेबल टू की बात करते हैं, तो टेबल टू यहाँ पर लिखना होगा, तो टेबल टू लिखने के लिए फिर से उसी तरीके से फॉर्मेट में जाएंगे और रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेबल टू लिख देंगे। अब इसका भी अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्या बताया था आपको, फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाकर टैब कलर पर क्लिक करना है और जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर ले लीजिए। अब हम यहाँ पर टेबल टू की बात कर रहे हैं, तो टेबल टू यहाँ पर लिख देते हैं याद के लिए, एक हेडिंग का प्रयोग भी कर लेते हैं इसका, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, राइटिंग बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइटिंग भी इसका बदल सकते हैं और यहाँ पर थिकनेस को भी, ये जो इसका साइज भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर टेबल टू बनाना है, तो टेबल टू ठीक उसी प्रकार बनाना है जिस तरह से टेबल वन मैंने बनाया है, है ना। तो टेबल वन में ये जैसे कि सीरियल नंबर है, हम सीरियल नंबर लेना चाहते हैं तो सीरियल नंबर लेने, जैसे कि इसे मुझे हटाना है तो क्या करेंगे, इसे हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद सेल ये टेबल फॉर्मेट पर जाएंगे। टेबल फॉर्मेट पर जाने के बाद यहाँ पर चलाने देते हैं इसको, पहले हम पहले अरे हम टेबल टू में आते हैं और सीरियल नंबर यहां पर हम फिर से टाइप कर लेते हैं। यहां पर सीरियल नंबर टाइप करेंगे और सीरियल नंबर टाइप करने के बाद यहां पर डेट निकालना है, जैसे कि ऐसे डेट निकालना है, फिर यहाँ पर टाइम निकालना है, फिर यहाँ पर डेट और टाइम दोनों साथ में निकालना चाहते हैं, डेट एंड टाइम, तो कैसे हम निकालेंगे चलिए हम जानते हैं। ठीक, इसका भी उसी तरह से हम फंडा अपनाते हैं, कुछ नहीं इसे अभी साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं और इसे भी सेंट्रलाइज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि डेट और टाइम जो लिखे हैं जिस कॉलम में,
जिस सेल में उस कॉलम में छिप रहा है, छोटा पड़ रहा है उसके लिए घर, वो तो उस घर को बड़ा करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ आप सीरियल नंबर ले सकते हैं, पहले भी आपको सीरियल नंबर हम सीरीज करने के लिए बताए हैं। डेट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला का यूज करना है, कंट्रोल अनुपात का यूज करेंगे तो डेट आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट अनुपात का प्रयोग करेंगे तो टाइम आ जाएगा। और डेट और टाइम लाने के लिए बराबर NOW ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद करेंगे तो आपका डेट और टाइम आ जाएगा। तो आप इस तरह का इस फॉर्मूला का यूज करके सिंपल आप यूज कर सकते हैं। एक बार चलिए और बता देते हैं आपको, डेट निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं डेट निकालने के लिए क्या करना है, कंट्रोल और अनुपात लिखना है। कंट्रोल और अनुपात करेंगे, कंट्रोल और अनुपात करेंगे तो आपका डेट आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें याद रखिए कि कंट्रोल और अनुपात करने के बाद है ना आपका यहाँ पर डेट, जैसे कि देखिए है ना, डेट निकालने के लिए कंट्रोल अनुपात का प्रयोग करें, कंट्रोल और अनुपात दबाएंगे तो आपका डेट आ जाएगा, ये शॉर्टकट की है। और यहाँ डेट और टाइम निकालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अनुपात कीजिएगा तो आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। और यहाँ डेट एंड टाइम दोनों साथ में लाने के लिए बराबर NOW ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद कर देंगे तो दोनों आपका साथ में आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ तक आपका मैंने बता दिया, दोनों टेबल वन और टेबल टू भी आपको बता दिया। तो आशा करते हैं कि आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो आप इसे सही तरीके से अपने आप में अप्लाई कीजिए, इसे सीखने की कोशिश कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको होगा। और फिर से आपको नेक्स्ट नया वीडियो के साथ, आपको नया टेबल के साथ में आपको हम मिलेंगे। जब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। खिलते